एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बयान से के बाद कई न्यूज चैनलों ने मान लिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, और सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसक जिद पे अड़े हैं कि ये हत्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। क्या सब लोगों ने मान लिया कि सच्ची में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी? सुधीर गुप्ता के बयान की वजह से, वो दोगला सुधीर गुप्ता जिसका हमने खुद पढ़ा था इंटरव्यू कहीं पे, देखते ही जो बोलता है ये तो हत्या है, ये तो आत्महत्या हो ही नहीं सकती है, 200% हत्या है। वही सुधीर गुप्ता, अब एक तो उसको रिपोर्ट उसने कुछ टीवी चैनल्स को लीक की, और उसके बाद उसने वो, जबकि उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि रिपोर्ट वो सीबीआई को दे, उसको किस तरह से क्या करना है ये सीबीआई की जिम्मेदारी थी। एक तो उसने ये गलत काम किया, और वो भी किसको दिया, कुछ सिलेक्टेड चीप टीवी जो दलाल टाइप के टीवी में चैनल होते हैं, और उन्होंने चला दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। खैर ये जो भी है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ भी आ रही कि विकिपीडिया में ने भी सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को क्या सच मान लिया? ऐसे ही लग रहा है विकिपीडिया में जो सुशांत सिंह राजपूत की जीव के बारे में लिखा है, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म स्थान, और उसके बाद जो उनकी मृत्यु का समय लिखा है, और वो मौत की वजह लिखा है आत्महत्या। क्या ये सच है? नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के न प्रशंसक मानेंगे, ना उनके परिवार वाले मानेंगे, ना वो लोग मानेंगे जो उनको इतने करीब से जानते हैं। उस इंसान के आत्महत्या का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है जो इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो इंसान आत्महत्या कभी नहीं कर सकता, चाहे कोई कुछ भी मान ले। विकिपीडिया ने शायद हार मान ली, तभी उन्होंने इस तरह से लिखा है, लेकिन उनके प्रशंसकों ने अभी तक हार नहीं मानी है। चाहे कोई भी हार मान जाए, लेकिन उनके प्रशंसक उसको न्याय दिला के रहेंगे, ये तो तय है। लेकिन विकिपीडिया ने जिस तरह से उनकी मौत की वजह आत्महत्या लिखा, वो वाकई में शोचनीय है और अफसोसजनक है। नमस्कार।